Hello everybody and welcome to today's exciting session. Today we are going to talk about the concept of fit family. I'm sure all of you are excited to listen to it and we'll get started soon. So jaise aap log dekh rahe hain yahan pe hamare paas bahut sare fit couples hain, fit families hain jo ek bahut acha life ji rahe hain. So hum unke bare mein share karenge aur क्या बेनिफिट्स वो लोग इस प्रोग्राम से ले रहे हैं वो आपको हम लोग बताएंगे. ओके सो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूरी फैमिली जिम जा रही है या कुछ एक प्रोग्राम टुगेदर फॉलो कर रही है. सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ आवर प्रोग्राम इज दैट ये कोई भी फॉलो कर सकता है और जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं. सो ये सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं. ओके सो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन. यस सो शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी से. आज मैं और अद्वैत आप सबके साथ हैं. हाय गुड इवनिंग एवरीवन. यस तो जैसे आप देख सकते हो ये हमारा रिजल्ट है. हम इस तरीके से दिखते थे पहले और हमने खुद पे काम स्टार्ट किया. मैंने और अद्वैत ने 2016 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और दोनों को ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और शुरुआत में हमने ये नोटिस किया था जब हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत ऑपोजिशन फैमिली से था बिकॉज सब लोग बहुत हम सबसे बहुत प्यार करते हैं एंड व्हेनेवर वी स्टार्ट एनी काइंड ऑफ डाइट और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज उनको ऐसे लगता है कि अरे ये बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या दे नॉट ईटिंग गुड, ईटिंग लॉट्स ऑफ फूड. सो ये सारी चीजें ऑब्जेक्शन आती हैं. लेकिन जैसे जैसे हमारा रिजल्ट आता गया आप देख सकते हो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे थे. आई हैड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, आई हैड एंग्जाइटी इश्यूज. Similarly, Adwait had some issues related to his back. Basically, unka L4, L5 mein gap tha and because of that, he had a severe, back injury and because of that, he was facing a lot of problems. Unko weight uthana bhi mana tha aur abhi wo ek athlete hai and he is basically doing wonderful in his fitness career. So, isi ke saath humare family mein bhi iska involvement start hua. So, Adwait, uske baare mein thoda sa aapko batayenge. Yes, and the first person who started following us वो हमारी बेटी थी. So generally हम बच्चों के पीछे लगते हैं कि कुछ करो, exercise के लिए जाओ, नीचे खेलने के लिए जाओ. लेकिन एक mistake हम करते हैं कि हम खुद वो सब follow नहीं करते और बच्चे हमें देखते हैं और हमको follow करते हैं. तो basically if we are not on our fitness journey, the kids are going to learn wrong things from us and they are going to follow the same thing and in unknowingly and we are basically giving them unhealthy lifestyle. We are gifting them unhealthy lifestyle. And the most important part of our program is my daughter, our daughter started following us and usko bhi ye bahut sare health benefits hame uske bare mein bhi dikh rahe hain jo season change ki wajah se usko bar bar sardi khansi hoti thi, cold cough hota tha, fever aata tha ya fir throat infection hota tha. Wo sara pichle 2-3 saal se we are not observing that just because we are following a fitness routine. Hum nutrition pe focus kar rahe hain, we are focusing on exercises, moderate lifestyle, active lifestyle. To ye sari cheezon ki wajah se उसको भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत मिले हैं और धीरे धीरे मेरे मेरे मॉम डैड जो अभी सीनियर सिटीजन है दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो एक मिस्टेक हम लोग जनरली ये करते हैं कि हम लोग फिटनेस या फिर ये सारे जर्नी को सिर्फ वेट लॉस के एंगल से दिखते हैं और हमें लगता है कि जिनको वेट लॉस नहीं करना है उनको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है. बट दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम और दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक इवन आई वाज डूइंग. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी आई गॉट टू नो दैट एवरीबडी नीड्स न्यूट्रिशन, एवरीबडी नीड्स एक्सरसाइज, एवरीबडी नीड्स हेल्दी लाइफस्टाइल. इवन इफ यू आर एट योर आइडियल वेट, वो वेट को मेंटेन करना, आपके बॉडी के कंपोजिशन को मेंटेन करना, आपके फैट परसेंटेज को मिनिमम रख के आपके बॉडी में जो मसल्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको प्रिजर्व करना और उनको अच्छे तरीके से यूज करना, ये सारा करने के लिए भी आपको एक फिटनेस जर्नी करनी पड़ती है. और उसके वजह से और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, मिडिल एज लोग हैं, उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है. और वो सारी चीजें मैं मेरे फैमिली में सबको फॉलो करने के लिए सिखा रहा हूँ और सबको अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. उसका एक एग्जांपल है कि मेरी मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ नी रिप्लेसमेंट का, उसके बाद डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा फॉर हर बेटर रिकवरी. उसके बाद यही प्रोग्राम के थ्रू मैंने आई बेसिकली वर्क ऑन माई मॉम्स हेल्थ एंड शी गॉट रिकवर्ड वेरी फास्ट. सो दैट इज वन ऑफ द एंगल विच वी नीड टू वी शुड नॉट इग्नोर दैट
old age people also need many things which we are going to cover later on. So overall now my entire family is following this program. So jab bhi maine start kiya tha, everybody was looking at me, ye tu kya kar raha hai, ye sab cheeze lene ki zarurat hai kya, supplementation ki zarurat hai kya. There were a lot of opposition to me, but now after 4 years everybody has understood the value, everybody is experiencing the benefit, and sab log ye program follow kar rahe hai, sab log achhi tarike se enjoy कर रहे हैं, and we are going to cover a lot of parameters. एक family अगर together पूरा fitness journey follow करती है, तो वो family में क्या difference आता है? And we have a lot of pictures for you. बहुत सारी families हमारे साथ हैं जिनको बहुत अच्छे-अच्छे results आए हैं, उनके बहुत सारे pictures हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, so stay tuned. अभी ये सारी fit families आपको दिखने वाली है, उनको आप अच्छी तरीके से observe करो, उनके जो भी after photos है, they will definitely look happy, they will definitely look younger. एक reverse aging आपको दिखेगा, they will have smile on their face, they will have glow on their face. ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि fitness journey होने के बाद they are looking weak, they are having basically bad postures and all. ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि हम अगर हम लोग ये program scientifically proper way से follow करते हैं, तो we get basically very good results, and बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये result आते हैं. And जैसे मैंने बोला कि weight loss एक parameter, एक छोटा सा angle है उसमें, there are lot of other things which we need to look at. And जैसे ये first photo में जो भी family है, उनके family में this photo is of Ritesh, and he basically met with an accident. लेकिन accident के बाद he joined our program, and because of this good nutrition, he got recovered very soon, and now basically he is looking younger and fitter, and he is doing pull-ups, push-ups, and everything, and is fit and fine. So ये सारी चीजें आती है, तो देखते हैं कि एक फिट फैमिली क्या डिफरेंस लाती है. मतलब अगर आपके फैमिली में बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारा ये फिटनेस रेजिम फॉलो कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग फिटर, व्हाट आर द डिफरेंस दैट विल यू विल ऑब्जर्व इन योर फैमिली. फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव एनवायरनमेंट. सो जो मैं मेरे घर पे भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अगर सारे लोग फिट है, सारे लोग फिटनेस जर्नी कर रहे हैं, तो देर इज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट विच यू विल ऑब्जर्व एट योर होम, बिकॉज body and mind, they are connected. If you are following a good routine with your body, your mind is also going to stay happy. Okay, second thing is I observed that ability to fight stress. Even when we talk to the families who are basically doing these programs, I got this feedback that they got the ability to fight stress and dynamics of life. Aaj ka jeevan bahut hi dynamic ho gaya hai. Aaj kal kya hoga pata nahi, kaun sa वायरल फीवर आएगा किसी को, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे डायनामिक्स आते हैं. लेकिन अगर आपका बॉडी फिट है, अगर आपका माइंड फिट है, और अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, तो कोई भी चैलेंज आने, तो यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट विद दैट चैलेंज एंड फाइट विद दैट स्ट्रेस. ओके, स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स. बिलीव मी गाइज, यू ट्राई टू डू वर्कआउट्स टुगेदर इन द फैमिली. आपके मॉम डैड के साथ आप कभी वर्कआउट करके देखो, आपके छोटे बच्चों के साथ आप कभी वर्कआउट करके देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट स्लोली यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड बिटवीन यू ऑल. ओके, देन इफ यू आर फिट, यू हैव बेटर सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट. इफ यूर फैमिली इज फिट, देन ऑब्वियसली सोसाइटी इज गोइंग टू ऑब्जर्व दैट, सोसाइटी इज गोइंग टू वॉच, एंड दे विल लुक अप टू यू, एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. ओके, सो आप अलग तरीके से दिखोगे, आप अलग तरीके से रहोगे, और आजू बाजू के लोग ऑब्जर्व करके आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर फिटनेस. यू कैन स्टे फियरलेस. आज के जमाने में जो कोरोना चल रहा है, उसमें वी नो दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, बट दोज हु आर ऑलरेडी ऑन द फिटनेस जर्नी, दे आर ऑलरेडी basically working on their immunity, they have good immunity levels, so they are kind of fearless, because unko pata hai ki apna immunity acha hai, so we just need to take some precautions, otherwise we don't need to worry about anything, and ye sara fearlessness is because of their fitness levels. Okay, so ek tarike se protection aapke family ko milta hai because of this fitness routine, and you have definitely have more time for fun activities and travel, you can travel together, because there is no illness, घर पे कोई बीमार नहीं पड़ता, घर पे कोई परेशान नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, then we can have fun, we can have a lot of activities together, we can have family workouts, we can go together. बाहर भी जाना है तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि अपने साथ जो सीनियर सिटीजन है वो सब कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका भी स्टेमिना अच्छा रहता है, they are also able to walk properly, they have good healthy knees and all. So all these things will happen for you if you have a fit family. Then you can focus more on your profession, business, and you will have more opportunities. Why I'm saying this? Because if you are fit, then you are ready for anything 24/7. Okay, and then
यू डोंट नीड टू वरी कि ये मुझे जमेगा कि नहीं, बिकॉज यू हैव पॉजिटिव माइंड फ्रेम, यू हैव हेल्दी बॉडी एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग इन योर वे एंड यू कैन ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन बेसिकली कॉन्कर एंड यू कैन विन वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि आपका फैमिली फिट हो जाता है तो जैसे मैंने बोला आजू बाजू वाले लोग आपको देखते हैं एंड देन यू स्टार्ट अनोइंगली और नोइंगली यू स्टार्ट गाइडिंग देम, दे आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, यू स्टार्ट गाइडिंग देम एंड दे गेट बेनिफिट्स फ्रॉम यू, सो इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द सोसाइटी एज वेल. और यहाँ पे हम लोग एक पोल करने वाले हैं, सो एक पोल आपके स्क्रीन पे पॉपअप होगा तो आपको उसके आंसर देने हैं. सो कैन वी हैव अ पोल प्लीज. We would like to know from you, what is your challenge in your family fitness? So we are waiting for the answers. Okay, कुछ लोगों ने बोला है कि वो exercise नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि too much of screen time है. Okay, and we'll soon get the results. Not eating together at the same time पे भी कुछ लोगों ने पोल किया है. Interesting. Makes answers. Unable to exercise regularly is leading. Yes. Yes. So let's see what's coming up. Okay. Yes, then can we have the results, please? So basically, most of the people say that they are unable to exercise regularly, and some of them have also chosen too much of screen time and unable to choose healthy food options. Okay. So good. So we will be, you know, giving you some pointers on this as well, कि कैसे आप इन चीजों को improve कर सकते हैं. Let's move on to the next slide. Yes. So जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि अद्वैत ने बताया था कि fitness जो है वो सिर्फ middle aged group के लोगों के लिए नहीं है. Generally क्या होता है, जैसे you know teenage में लोग आ जाते हैं या in their 20s or 25. Generally, males are very excited. Even females are very excited to look good. So they join some kind of a fitness program. और फिर वो थोड़ी दिनों के बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो वो कहीं तो छूट जाता है. And when they are into their, you know, 35s, उस time पे फिर वापस they come on track because they are having a lot of health issues. Okay? So सिर्फ यही age group नहीं है, बल्कि actually fitness की जरूरत छोटे बच्चों से भी होती है. छोटे बच्चों को भी इसकी जरूरत होती है. And कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सो व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर देम टू हैव अनदर यू नो लेवल ऑफ फिटनेस, या फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है. नाउ व्हेन आई मीन फिटनेस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज. ओके, अभी इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो कि न्यूट्रिशन है. ओके, कई बार हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं. हम ये सोचते हैं कि हाँ बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो घर का खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत जंक इधर उधर का खा रहे हैं, लेकिन वो पच जाएगा, उनको उसका कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है. ओके, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. बच्चों से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज ये जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, यहीं से हैबिट्स पिकअप होती है. ओके, अगर इन्हीं को, आई एम नॉट सेइंग कि इनको जंक हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. जंक एज इन जो भी उनके फेवरेट फूड्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, बर्गर्स हैं, उनको खाना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन दे नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ होल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अ होल लाइफस्टाइल वेर इन वो आगे जाके हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर पाए. ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. अभी यहाँ पे हमारे पास दो फैमिलीज के बारे में मैंने बताया है. We have Pragya Gole and we have another family. So, इनके बच्चे दोनों families के बच्चों ने बहुत अच्छे से उनका fitness routine incorporate किया है and we can see the changes in them. Okay, so क्या advantages है? First and foremost, they are in their growth phase. So, growth phase में भी उनको nutrition का बहुत अच्छा support लगता है. So, they are going to be absolutely healthy. दूसरा, brain development उनके लिए, उसके लिए भी बहुत जरूरी है. Definitely they must be doing some kind of activity in their school या कोई sport में वो लोग you know participate कर रहे होंगे. लेकिन even for them to excel in their sport, they need a lot of other kind of exercises which are going to help them. Okay, उसके साथ साथ उनको अच्छा nutrition रखना भी बहुत जरूरी है. दूसरा ये है कि they will always be cheerful. अभी होता क्या है, बच्चों को हम भेज देते हैं कहीं तो खेलने कूदने के लिए, लेकिन अगर आप सोचो कि हम साथ में अगर ये चीजें करेंगे पूरी की पूरी फैमिली, सो ये सारे बेनिफिट्स हम खुद ने भी ऑब्जर्व किए हैं. जैसे मैं और अद्वैत शाम को जब हमारे क्लब में जाते हैं और इशिता हमारे साथ होती है, शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज शी इज यू नो एक्सरसाइजिंग विद अस, शी इज एंजॉयिंग हर फूड विद अस. सो वो एक अलग ही लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है.
ओके. दूसरा, हम बच्चों में जनरली आजकल देखते हैं कि स्क्रीन टाइम जैसे बहुत बढ़ गया है, कुछ लोगों ने पोल में भी वो ऑप्शन दिया था. सो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से चाइल्ड ओबेसिटी आजकल बहुत बढ़ गई है. ओके. सो ये भी हम टैकल कर सकते हैं. लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल यू नो अडल्ट फेज में जो होने लगे हैं, वो शुरुआत उसकी जो होती है, उसका जो सीडिंग होता है वो बचपन से ही होता है. ओके. सो ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं. इम्यूनिटी, जैसे अद्वैत ने बताया पिछले स्लाइड में भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. खास करके किड्स में इम्यूनिटी बहुत लो होती है शुरुआत के टाइम पे. सो ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है कि हम एकदम छोटे बच्चों को भी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. वी हैव वंडरफुल एग्जांपल्स इन आर प्रोग्राम वेयर किड्स एज स्मॉल एज 2 इयर्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड यू नो इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लुकिंग एट देयर पेरेंट्स. मतलब उनको अपने पेरेंट्स को देख के ही वो चीजें सीखते हैं. ओके. बेटर थिंकिंग देन अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम. सो लाइक वी सेड कि बच्चे हम ही को देख के सीखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम है उससे अगर हम अच्छी तरीके से ये फॉलो करेंगे तो बच्चों तक भी ये पहुंचेगा. ओके. लेट्स मूव ऑन. और एक और चीज मैंने बच्चों के बारे में ऑब्जर्व की है कि पेरेंट्स उनको अलग अलग क्लासेस में भेजते हैं, जैसे कराटे क्लासेस है, जूडो क्लासेस है, डांस क्लासेस है. अगर उनका फोकस न्यूट्रिशन पे नहीं है तो इट अफेक्ट्स देयर ओवरऑल स्टैमिना, ओवरऑल देयर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड इट अफेक्ट्स देयर नेचर. तो वो क्रैंकी हो जाते हैं, वो सोशलाइज करने को मना करते हैं, वो लोनली हो, मतलब लोनली फील करते हैं. ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि कहीं पे भी बॉडी, कहीं पे भी शारीरिक लेवल पे उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो रहा है. और अगर हम उनके न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, उनका बॉडी अच्छा ग्रो करना चालू करेगा, तो उनके नेचर में भी बहुत बदलाव दिख जाता है. तो ये सारी चीजें हम लोग ने, जो हमारे साथ फैमिलीज है, उनके बच्चे है, मेरी खुद की बेटी है, ये सारे बच्चों में हम लोग ने ये चीज ऑब्जर्व किया. अभी जैसे बच्चों का फेज है, वैसे एक और फेज जनरली इग्नोर होता है, वो सीनियर सिटीजन का. क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन एक तो ये सोचते हैं कि अभी उम्र तो हो गई, अभी मेरा वजन कम होगा नहीं होगा तो भी क्या होगा, या फिर अभी सीनियर सिटीजन में हो गया हो तो हेल्थ इश्यूज तो मुझे होने ही वाला है, ऐसे एक माइंडसेट बन जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आप अगर मिडिल एज से ही आपके, या फिर आप छोटे एज से ही आपके न्यूट्रिशन और फिटनेस पे काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली योर एज, योर जर्नी आफ्टर एज ऑफ 40 और 60 विल बी वेरी स्मूथ. यू विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स इफ यू आर ऑन अ फिटनेस जर्नी फॉर टिल यू गेट्स टू द सीनियर सिटीजन फेज. और अगर आप सीनियर सिटीजन अभी है एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो जैसे आप ये राइट साइड के पिक्चर पे देख रहे हो, ये जो दादी जी है, उन्होंने एट द एज ऑफ 70 शी हैज लॉस्ट 21 kg. सो दिस इज हाईली रिस्पेक्टफुल, एंड एट दिस एज शोइंग दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट इज हाईली रिस्पेक्टफुल. सो आप कोई भी एज पे हो तो आप कुछ भी, आपका फिटनेस जर्नी कभी भी चालू कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गुड गाइडेंस, यू हैव गुड मेंटर अराउंड यू एंड गुड कोच अराउंड यू. लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में इनका जो फेज है सीनियर सिटीजन, और फिर द एज आफ्टर जर्नी आफ्टर 60, यहाँ पे न्यूट्रिशन और फिटनेस इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग. बिकॉज एक तो माइंडसेट होता है फैमिली का, और दूसरा देयर इज नो अपॉर्चुनिटी. एज धनश्री मेंशन कि जिम में कोई सीनियर सिटीजन जाके ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकता, उनको वो सारी चीजें नहीं जमती है. एंड वी नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म where senior citizens can go and they can do their workouts or they can do it at home sitting on the chair. Aur hamare program mein wo platform sabko mil jata hai, kyunki you have a coach with you, you have a better nutrition with you, you have a basically better workouts which are suitable for senior citizens, and everybody can follow this program. Abhi senior citizens ke fitness ka kya importance hai, matlab why should we focus? So jaise maine bola ki weight loss ek angle ho gaya, lekin what are the other parameters apart from weight loss which we need to consider for all senior citizens? First thing is it basically fights fast aging, kyunki abhi ke toxic environment mein aging process bahut accelerate ho gaya hai, aur iska sabse bada impact senior citizens ko hota hai, and they basically face lot of health issues because of fast aging. तो इसको कहीं पे भी काउंटर अटैक करने के लिए और वो उसका स्पीड स्लो करने के लिए, एजिंग का स्पीड और हेल्थ इश्यूज प्रिवेंट करने के लिए, देयर इज न्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड, देयर इज लॉट ऑफ फिटनेस पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. और ये सारी चीजें इकट्ठा करना बहुत जरूरी है अंडर सम गाइडेंस. ओके. देन इम्प्रूव्ड प्रोटीन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि सीनियर सिटीजन ज्यादा नहीं खा सकते,
उनका एपेटाइट अपने जितना नहीं रहता, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ रहता है, तो ये सारे की वजह से उनका कैलोरी इंटेक तो कम होता ही है लेकिन उनका न्यूट्रिशनल इंटेक बहुत ज्यादा कम हो जाता है. सो इफ वी फोकस ऑन न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन एंड ऑल दोस पैरामीटर्स, वी कैन डेफिनेटली इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. और मैंने मेरे मॉम डैड के बारे में के हेल्थ में भी बहुत सारा बदलाव देखा है जब भी उन्होंने ये सारा न्यूट्रिशन अपने डाइट में लेना चालू कर दिया. तो बहुत सारी चीजें होती है जो बदल जाते हैं, वो डेली बेसिस पे बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, दे फील एक्टिव एंड दे बेसिकली बिकम इंडिपेंडेंट. सो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू देम. सो इफ यू हैव योर पेरेंट्स एंड इफ दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन गो एनीवेयर दे वांट, दे कैन रोम अराउंड, दे कैन गो फॉर अ वॉक एंड एंजॉय देयर जर्नी टुगेदर, इट्स बेसिकली द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ. ओके, सो दे विल हैव लेस बर्डन ऑन देयर फैमिली डेफिनेटली, बिकॉज वो भी खुश है, वो भी हेल्दी है, तो पूरा फैमिली का माहौल जैसे मैंने बोला वो पॉजिटिव ही रहने वाला है. एंड दे कैन डेफिनेटली प्रिवेंट एंड कंट्रोल कॉमन हेल्थ इश्यूज जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज है जो एज ऑफ 40 और 60 के बाद कॉमनली दिखते हैं. एंड वी बेसिकली अज्यूम कि अभी हम लोग का एज ग्रो हो रहा है तो ये चीजें होनी ही है. मतलब अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे डायबिटीज तो होना ही है, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना ही है, ये सारा अजम्पशन हो जाता है. लेकिन what we observe in our clients is basically they can prevent and they can also control lots of health issues by adopting a good healthy lifestyle. Okay, of course immunity to sabka improve hona hi hai, better recovery. So even if they are having some health issues, usse jo recovery hona hai, unka koi operation ho raha hai, koi injury ho gaya, accident ho gaya, to usme se bhi jo recovery lagti hai uske liye nutrition plays very very important role. उनके मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है. सो दे स्टिल गेट गुड मेमोरी एट द एज ऑफ 60-70 एंड इट आल्सो हेल्प्स इन देयर वेट मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले बोला. यस, सो वी हैव सम मोर इंस्पायरिंग फैमिलीज जिन्होंने अपने पूरे फैमिली को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो अपने फैमिली में देख पा रहे हैं. सो लेट्स या सो यस, सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ओके, सो एज अ कपल या एज एन इंडिविजुअल अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपने पिछले स्लाइड्स में इन सारे लोगों को देखा होगा. ओके, कुछ लोगों ने एज अ कपल ये स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे करके उनके सारे फैमिली ने ये अडॉप्ट किया है. ओके, तो हो क्या रहा है, बेसिकली दे आर बिकमिंग अ रोल मॉडल. ओके, मतलब जैसे होता है ना कि अगर किसी के बारे में हम देख रहे हैं, उनका जर्नी देख रहे हैं और उनके उनका जो इम्प्रूवमेंट है रोज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. ओके, और फैमिली के लोग ऑब्वियसली उनसे पूछेंगे. सो यू कैन बेसिकली लीड बाय एग्जांपल. ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको खुद को ये एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली छोटी से छोटी चीज में भी आप आपके फैमिली को इसमें हेल्प कर सकते हैं बिकॉज आपने वो जिया है. ओके, एंड योर फैमिली इज गोइंग टू ट्रस्ट यू मोर देन एनीवन एल्स. डेफिनेटली अगर फैमिली में ही कोई है जो आपको बता रहा है कि नहीं नहीं दिस इज द वे दैट आई हैव फॉलोड, इस तरीके से मुझे अच्छा लगा है, अगर आप ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा, तो डेफिनेटली यू विल हैव बेटर ट्रस्ट. दूसरा ये है कि यू कैन बी अ गाइड, यू कैन बी अ मेंटर फॉर योर फैमिली. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फैमिली की हेल्थ केयर कॉस्ट जो होती है, अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि हम यू नो अर्ली एज में ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ के बारे में, वी ईट अ लॉट ऑफ अननेसेसरी फूड, वी आर नॉट एक्चुअली एक्टिव, एंड व्हेन वी आर इन आवर 40s एंड यू नो आफ्टर दैट तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं और फिर कॉस्ट जो है हेल्थ केयर कॉस्ट वो बढ़ जाती है. मतलब आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई डायबिटिक है तो even for a medicine also on a daily basis you have to spend. So agar aap dekhoge to ye incur hoke bahut bada cost ho jata hai, and forget about the cost, lekin usse jo hame sharirik nuksan ho raha hota hai wo ek alag hi cheez hai. Okay, so basically you're going to reduce that, and more or less what happens is when entire family is together following something, so aapka per head program cost hai wo bahut kam ho jata hai. Definitely, because you know you'll get a lot of discounts on the program, and you'll be able to you know follow it together as a family. Okay, one more important thing which I would like to mention is जब हम कोई चीज अकेले follow कर रहे होते हैं और बाकी लोग family के नहीं follow कर रहे होते, तो there is a lot of distraction because उनको लगता है कि अरे अभी
हम जो खा रहे हैं वो तुम नहीं खा रही हो, दैट मीन्स यू आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ. बट देन अगर साथ में मिलके हम कोई चीज करते हैं, अगर सबको ये पता है कि नहीं दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द यू नो द पॉजिटिव वे टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, देन देयर इज डेफिनेटली less distraction and you will have a better focus on health and personal results, okay? And it definitely builds a lot of confidence in you and your entire family, okay? So here we would like to have a poll. We would like to know if you inspire your family and friends to start their fitness journey with us. And the poll is coming up. Okay, lots of people have answered. Let's wait for some more. Come on, come on. We are waiting for some more answers. Most people have said yes. Okay, fantastic. So we have 97% saying that they want to inspire their family, which is fantastic. We are very happy to hear this. Yes, लेकिन आप ये करोगे कैसे? मतलब आपको inspire करना है, आपके intentions बहुत अच्छे हैं, लेकिन there has to be some process, there has to be some way to inspire your family. So here is the way. Just a minute. Yes. What you can do, and we have a beautiful share and care program where you can share your experience and you can care for them and you can help and basically transform a lot of other families also. So first of all, you need to do is focus on your own results, because when you get your own results, you basically get a lot of experience. As we said earlier, अगर आपको आप अगर एक बुक पढ़ रहे हो कि स्विमिंग कैसे करना है, लेकिन आप पानी में कभी नहीं कूदे, तो यू कैनॉट बी अ गुड टीचर टू टीच हाउ टू स्विम. लेकिन आप पानी में कूद रहे हो, खुद एफर्ट्स ले रहे हो, खुद प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और देन स्विमिंग सीख रहे हो, देन यू आर द बेस्ट टीचर एंड यू विल बी एबल टू टीच हाउ टू स्विम वेरी वेल. ओके, सो द सेम थिंग, जब आप ये प्रोग्राम खुद करते हो, सारे एक्सपीरियंसेस खुद लेते हो, तभी देन यू बिकम अ गुड टीचर एंड देन योर एक्सपीरियंस बेसिकली विल इज गोइंग टू मेक यू गुड टीचर. सो आपके खुद के रिजल्ट्स आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी आप प्रोग्राम पे हो, फोकस ऑन योर प्रोग्राम एंड इंश्योर यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स. और एक बार आपके रिजल्ट आ गए तो सारे लोग आपको पूछने वाले हैं, बिकॉज जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले वो आप छुपा नहीं सकते. यू कैनॉट हाइड द ग्लो दैट यू गेट ऑन योर फेस, यू कैनॉट हाइड गुड पोस्चर्स, गुड बॉडी टोनिंग यू गेट बेसिकली आफ्टर दिस प्रोग्राम, एंड दिस इज गोइंग टू स्पीक अ लॉट. एंड देन यू जस्ट नीड टू शेयर योर स्टोरी, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सारी चीजें आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करनी है. एंड वी हैव लॉट ऑफ वेबिनार्स, वी हैव लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, वी हैव ऑनलाइन फिटनेस सेशंस, which are the forums where you can introduce your friends and family members, and we have open sessions, free sessions also. Trainings are basically open for all, and we have weight loss orientation program as well. So ye sari cheezon mein aap aapke friends or family members ko invite kar sakte ho, and most important thing is you connect them with your coach, because coach is very very important in this journey, and wahi jo प्रोग्राम आपको दिया है, जैसे पर्सनलाइज प्रोग्राम आप कर रहे हो, वैसे ही वो आपका कोच पर्सनलाइज प्रोग्राम आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को देने वाला है. एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो इफ यू आर सीइंग दिस ब्यूटीफुल कपल्स, सो ये दोनों लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम किया है, एंड दे हैव नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, उसके बाद दे बेसिकली स्टार्टेड हेल्पिंग देयर फैमिली मेंबर्स, बट वो वहां पे भी नहीं रुके हैं, वो दे आर नाउ हेल्पिंग 20 टू 30 अदर फैमिलीज टू गेट ब्यूटीफुल दिस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फिटनेस रिजल्ट्स. और दिस इज द थिंग दैट एज आई सेड, व्हेन यू बेसिकली बिकम फिट, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम इन योर वे, बिकॉज आप कोई स्किल सेट डेवलप करते हो, कोई एक्सपीरियंस लेते हो, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आती है. वैसे ही अपॉर्चुनिटीज इनके रास्ते में भी आई, एंड दे ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, एंड टुडे दे आर फिटनेस कोचेस. सो इफ यू लुक एट देयर बिफोर फोटोज, यू कैनॉट बिलीव दैट डे वन फाइन डे दे कैन बिकम फिटनेस कोच, बट देयर आफ्टर फोटो इज रियली स्टनिंग. दे हैव रियली अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन डन विद देमसेल्फ, एंड नाउ दे आर फिटनेस कोचेस एंड हेल्पिंग 20 टू 30 अदर फैमिलीज altogether. So this is really fantastic. Yes, fantastic. So unbelievable job done by these people, and there are many such people who basically have helped their own families, and now they are helping other families. Okay, so
We are towards the end of the session. I just want to give you this thought before we end. So you have a lot of thought process on these lines. So if there is a person who is ill in the family, that person can disturb entire family. But if a person is fit, the person can change entire family and it can benefit entire family. So are you the game? So are you ready to basically focus on your own results, and are you ready to focus on your own family? And then are you ready to focus on lots of other families who need your help, who need your experience, and who need your skills, which you have acquired during this program. So with this thought process, I would like to say thank you to all of you. Thanks for joining. And we will see you with wonderful further sessions coming Friday. Till that time, have a good day. See you and good night. Good night, everybody. Bye-bye.